क्या बात है, क्या बात है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक राजेश यादव बेलथरा रोड बलिया, तमाम बिरहा आप लोग यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं। आज मैं एक ऐसी घटना जो हृदय विदारक घटना है, आरबी म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भीमपुरा नंबर एक बलिया से मैं हृदय विदारक घटना पेश करने जा रहा हूं, जो आज पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है। 24 दिसंबर को एक घटना प्रसारित हुई अखबार, टीवी, टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से, हाहाकार मच गया। उस घटना को सुनकर के चार लाइन भूमिका है मास्टर साहब। अरे किस्मत की रेखा जुदा हो गई, गम में गमगीन हो रोती बलिया की माटी, सपा के बाग में आग सुनकर लगी, चल बसा दुनिया से एक समाजवादी खाटी, कांप जाता कलेजा रह रहनुमा से, जिंदगी में नैया को मालिक पलाटी, कभी श्यामलाल जिंदगी एक जुबा, कहां किसको कब मार देगी गुलाटी। कभी श्यामलाल जिंदगी एक जुआ है, कहां किसको कब मार देगी गुलाटी। हे बाबू बिरहा सुनने वाला भैया, ये जिंदगी का कौन भरोसा बा, आज बा काल रही कि ना रही। हमारे डॉक्टर श्यामलाल कबीर जी बिरहा में एक लाइन कव्वाली का तर्ज लिखल, कौन कव्वाली है। वो है कव्वाली बा, अरे इतने करीब, हाँ इतने करीब यहाँ के दगा दे गई मुझे, बात क्या बात है। इतने करीब यहाँ के दगा मुझे, तो इतने करीब आके दगा दे गई मुझे,
मैं बुझ रहा था, मैं बुझ रहा था, आग के हवा दे गई मुझे। लेकिन कबीर जी बिरहा में भाव लिखलन, अरे हंसती है, हाँ हंसती है जिंदगी को रुला गई जिसे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हंसती है जिंदगी को रुला गई जिसे, अरे हंसती है जिंदगी को रुला गई जिसे, रुला गई जिसे, मौत की नींद गम दे सुला गई जिसे। वाह क्या बात है, हवे से कहानी का शुरुआत भइल, कहाँ का कहानी बा, केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा, शेर के माध्यम से शर्मा जी। क्रांति छिड़ गई जब बलिया का इतिहास रहा, क्रांति छिड़ गई जब बलिया का इतिहास रहा, हुआ उमंग राजनीतियों का अब आस रहा, जिला बलिया थाना फेफना विधानसभा है, पिसुकिया देखने देखो मथुरा और काबा है, राजमंगल यादव जो सपा के सच्चे सिपाही थे, मजलों पिछड़ों के दिल के वो गवाही थे, टीडी काले कॉलेज बलिया एडमिशन जब कराए थे, टीडी कॉलेज बलिया एडमिशन जब कराए थे, अच्छा व्यवहार महामंत्री बनकर आए थे, जियो। अरे बाबू जिला बलिया, बलिया का इतिहास क्रांति की लड़ाई से लिखल गई, और वही बलिया के अंतर्गत फेफना विधानसभा, फेफना विधानसभा में एक छोट सा गांव बिसुकिया, वही बिसुकिया का रहे वाला बाबू श्री कृष्ण यादव, गरीब परिवार बा। श्री कृष्ण यादव झोपड़ी में अपन गुजर बसर करत हुआ बाबू, समय धीरे धीरे बीतल, वो झोपड़िया में एक चिराग जरल, और चिराग का नाम रखल गल राजमंगल यादव। राजमंगल यादव धीरे धीरे बाप माई के दुलार प्यार में पलत हमन, जब कुछ बड़ा भइलन श्री कृष्ण यादव अपने बेटवा राजमंगल को प्राथमिक विद्यालय में दाखिला करा दिहलन। राजमंगल यादव बचपना से होनहार न रहलन, पढ़े लिखे लगलन, धीरे धीरे पांचवी आठवीं दसवीं और बारहवीं का जब परीक्षा पास करके वो राजमंगल यादव बलिया के टीडी कॉलेज में जब एडमिशन लेलन, तो चुनाव भइल छात्र संघ का, ओ छात्र संघ के चुनाव में इनके बात व्यवहार के देख करके, ईमानदारी को देख करके, उस विद्यालय के विद्यार्थियों का समर्थन मिला, असमर्थन मिलल तो महामंत्री चुनल गेलन,
महामंत्री चुलन गेलन थारंगा से कहना है जीतले महामंत्री लगल राजनीति में मानावा यारे नीति में मानावा हो मुलायम सिंह को मिलल जब साथ जी बलिया में अले जिला परिषद चुनाव हुआ था परिषद चुनाव हुआ था पगरी बधाइल बनल बात जी ए बाबू महामंत्री बनकर के अलन राजनीति में अब राजमंगल यादव का मन लगे लागल लोगन का सेवा गरीबन की आवाज लखनऊ तक ले जाकर के इन्होंने मुलायम सिंह यादव के संरक्षण में आवाज गरीबों की लखनऊ तक सुनाने लगे। अरे बाबू धीरे धीरे हल्ला न होखे लगल समाज का सेवा करना रात दिन समाज के लिए लड़ना ये राजमंगल यादव का काम रहल। तब भैल का एक लाइन तर्जबा डूबी मारबिए राजा अरे डूबी मारबिए रजऊ जय बजो पूर्व की दिशावा तर्जबा लेकिन कबीर जी बिरहा में भाव लिखलन फेरले मुलायम सिंह राज मंगल पर नया नावा के झंडा थमाई दिहल बलिया के रता नावा के झंडा थमाई दिहल बलिया के रता नावा के फेरले मुलायम राज मंगल पर नया नावा के राजमंगल यादव पर माननीय मुलायम सिंह यादव की नजर पड़ी। जब नजर पड़ल तो भइल काम अपनी काबिलियत पर नाजज बकाइले हो शोषित गरीब वन के साथ जब आई ले हो लखनऊ में गईले रहे चादर राजभवाना वा के लखनऊ बाबू अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बल पर राजमंगल यादव
माननीय मुलायम सिंह यादव के हृदय में अपनी जगह को बना लिए। और जब मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद राजमंगल पर पड़ल तो इनके राजनीति में अब नई किरण की आस फूटने लगी और धीरे धीरे राजमंगल यादव बड़े नेताओं के बीच में उठना बैठना शुरू कर दिए। जिला खातिर, बागी बलिया खातिर और बलिया की लोगन खातिर ए बाबू राजमंगल यादव रात का रात और दिन का दिन मेहनत करे, गरीबन के आंसू के पोछला का काम करे। मास्टर साहब बिरहा में एक लाइन तर्ज लगे, है गीत बा एक गीत के हमारे गुरु रामकौल यादव गाजीपुर वाले गावेलन। कैसे गावेलन? सावन महीना सावन यानी काला गेला अकाला तिल गलावा के गोरई यानी काला गेला रस रस झूलली झूलनवा राधा हो काधा माना मोहे बाबा क्या बात है हाय देखा बाबू। धीरे धीरे समय बीतत बा आज जब बीतल तब भइल का भाव लगल। अखिलेश यादव से बात जब होवेला आज ही जगह लऊ है सब कुछ पावेला बलिया कुर्सी होवेला चुनौवा भौआ हो राज मंगल भय तैयार। बलिया जिला अध्यक्षी का चुनाव जब आयल राजमंगल यादव के तरफ अखिलेश यादव का इशारा गया और राजमंगल यादव तैयार हो गए। माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि राजमंगल यादव बलिया की कमान तुम्हें संभालनी है। राजमंगल यादव हाथवा जोड़ करके अध्यक्षी पदवा जो कुर्सिया हो बाबू ओके स्वीकार कर लेलन। आज जब स्वीकार कर लेन तो भइल काम। बलिया अध्यक्ष को मिलल जब तजवा हरियर भइल ताप पगिया लेवे लागल माजवा राजमंगल बढ़ौले अपन पौआ भौआ हो राजमंगल भय तैयार। अरे बाबू राजमंगल यादव मेहनत करके लोगों से हाथ जोड़ करके जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गेलन और बलिया की कमान को वह राजमंगल यादव संभालने लगे। ए बाबू धीरे धीरे समय बीतल और कुछ काम लेकर के गरीबों की बात को लेकर के माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के पास पहुंचे थे। 23 दिसंबर 2023 के दिन लखनऊ में गए माननीय नेताजी से मिले और विश्राम किए। रात में रुके, प्लानिंग हुआ कि सुबह जनेश्वर मिश्र पार्क को घूम करके आएंगे, नेताजी से कुछ बातें होंगी और उसके बाद तब फिर बलिया को हम वापस चले जाएंगे। अरे बाबू रात बीतल राजमंगल यादव अपने मित्र के साथ स्कूटी से जनेश्वर मिश्र पार्क घूमे गेलन, घूम करके लौटलन। आखिरकार यह बात मालिक को मंजूर नहीं हुआ, भइल का अरे नजरिया
सब कर नम हो गई, समर में बह गई उल्टा जब बाजारिया, समर में बह गई उल्टा जब बयरिया, नजरिया सबकी नम हो गई। विदेशिया से कहना हो राजमंगल यादव साथे राजेंद्र पांडे चल ले हो, घूमल जाए पार्क यू अये बाबू भइल बाबी हना। राजमंगल यादव अपने मित्र जो रात और दिन राजमंगल यादव के साथ रहा करते थे, माननीय राजेंद्र पांडे जी दोनों लोग साथ में हैं। पार्क घूमे के योजना बनल भैल का, अपने इस कूटी से चलावत नेताजी जात रहले, अरला से ढोवे वाली वाहन ये पंचो आइल बासमनवा। एक लाश ढोने वाली वाहन उधर से वापस आ रही थी, आ जब वाहन आइल तो भइल का मारी दिहल टक्कर चोटी लगी गई सिरावा में, अरे या नहीं पाट नेता जी ए बाबू तेजली परनवा। इतना जबरदस्त ओ लाश ढोए वाली वाहन से टक्कर भइल, स्कूटी से नेताजी और रोड पर गिरलन, आ जब रोड पर गिरलन उस सर में चोट लगल आ निष्पाट नेताजी दम को तोड़ देते हैं। भइल का मिलल अखिलेश यादव जी के ए पंचो सुबह खबरिया हो, ट्रामा सेंटर या की करी अलगलनी बयाना। जब यह बात माननीय अखिलेश यादव नेताजी के जब मिलल, राजमंगल यादव दुनिया में ना हुवन, तुरंत जो है अपने गाड़ी पर बैठ करके ट्रामा सेंटर में पहुंचे हमारे नेताजी और जा करके हालचाल लेने लगे, लोगों को फोन के माध्यम से बताने लगे। भइल का बाबू एक लाइन तर्ज है, तरस से बढ़िया भाव कवि जी लिखलन, राजमंगल लिखे भइल सोर लाख नौआ में, सब पचुआवे लगल लोर लखनऊआ में, लोर लखनऊआ में, राजमंगल लिखा भइल सोर लखनऊआ में, ऐ बाबू हाहाकार मच गई, चारों तरफ आवाज एक ही सुनने को मिल रही थी, का भैया ये बात सही है, हमन के जिला अध्यक्ष दुनिया में ना हुमन। हाँ भैया हम हूँ कहते ये सुने के मिलत है। तुरंत मीडिया के लोग पहुंचे, खबर धीरे धीरे फैले लगल, आ जब खबर आयल बलिया में तो भइल का बलिया में मिलल सबके फोन से खबरिया, असुवन से भीज गईली सबकी नजरिया, Yeah.
बाबा अय बाबू बलिया में जब ये खबर आयल कि राजमंगल यादव दुनिया में ना हुवन चाहे कि उनो दल का नेता हो खे लोग सारे लोगों की आंखों में आंसू है। आज यह बलिया ऐसे हीरा को खो दिया। अरे बाबू पूरा पार्टी समाजवादी पार्टी का नेता होखन चाहे कौनो पार्टी का नेता होकर जमावड़ा न लग गई भीड़ लग गई कार्यालय पर जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय हो वो कार्यालय पर भीड़ लग गई। लोग अब लाश के इंतजार करथवन धीरे धीरे बतिया घरे न पहुंचल आ जब घरवा पहुंचल बाबू सुनलन आ राजमंगल यादव की जब वो दुल्हन सुनी आ जब दुल्हनिये सुनली ए बाबू रोवे न लगली रोवत बाड़ी रो रो करके एक ठू बात कहत बड़ी का हमारी सजना के कौन पपिया दिहलस जनावा मार हमारी सजन अखिलेश यादव घर भेजवा वाले आइल बलियाला हमारी हीरावा के कौन पपिया दिहलस जनावा मार अरे बाबू दुल्हन राजमंगल यादव का बेसुध हो जाए बेहोश न हो जाए लोग पानी का छिट्टा मार मार के होश में लियावे बसी है हमार हीरा कहाँ हमन एक बार लसिया देख लेती। अरे बाबू गांवपुर का लोग जुट गेलन मेला लग गेल राजमंगल यादव के दरवाजे पर सबकी आंखें नम है और नम आंखों से लोग वो रहिया के देखे वो बाट के जो है कि यही रास्तवा से हमारे बाबू राजमंगल यादव का लसिया आई। जब लाश पहुंचल दरवाजा पर बलिया के लोगों का हुजूम जुट गया खे के रोवत है अल्लाह से कहे के हम अरे राम गोविंद चौधरी राम गोविंद चौधरी संग्राम सिंह अयला बाबू देख के अंबिका चौधरी सनातन पांडे रोई रोई के कहे भैया
गईली बिरान अद्य शंकर अंगद यादव नारद राय रोवे बाबू नारी बहू रही अभी वो तो हो गए बाबू कौन छीन लिहल दिहल से नुरा के दान जिला कार्यालय से घूमावल गईल लसिया पंचो राम घाट बलिया में भइल अग्निदान अरे बाबू राजमंगल यादव का लाश पैतृक गांव बिसुकिया में गई बिसुकिया से पुनः लाश उठा करके सपा कार्यालय पर लाई गई और सपा कार्यालय से पूरा बलिया जिला को घुमाते हुए राम घाट पर जाकर के अंतिम संस्कार हो गई अंतिम संस्कार हो गई आला नेता लोग सब अपने अपना घरे गई और राजमंगल यादव के घर के लोग अब आगे के कार्यक्रम में लगल हुवन यहाँ से खड़ी में कहना है अरे राजमंगल छोड़ी और दुनिया के अब पराई गईले अर्थी मिलल सागर में समाय गईले राजमंगल छोड़ी दुनिया के पराई गईले यह गायक राजेश यादव माननीय जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आखिरी में कहता है घराने का परिचय जय जखाल स्वामी गुरजद्दू की लहरे फुलवारी श्री नारायण संग मितवायवत बिहारी नजरिया सबकी नम हो गई राजेश